Hi friends, welcome you all to this small mentoring video. Friends, specifically मैंने ये video CA foundation के students के लिए बनाया है, जो कोई भी attempt में CA foundation दे रहे हैं, specifically to guide on one of the most important and so-called tough as pursued by students. Students के सोचने के मुताबिक जो बहुत tough उन्हें लगता है chapter 4, उसके ऊपर guidance देने के लिए और उस चैप्टर 4 को बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर करने के लिए नोट्स के साथ मैंने आपके लिए ये 5-7 मिनट का वीडियो बनाया है जो आप देखोगे. एंड खास करके मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखने के बाद नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी है वहां से आप सारा मटेरियल डाउनलोड कर लेना और डिस्क्रिप्शन को बराबर से पढ़ना. मैंने वहां पे सब कुछ क्लेरिफाई किया हुआ. फ्रेंड्स, नाउ दोज हू हैव स्टडीड विद मी दिस पर्टिकुलर चैप्टर 4 इन द क्लासरूम और इन द जूम लेक्चर्स, एंड जो लोगों ने नहीं पढ़ा उन सबके लिए ये क्लेरिफिकेटरी वीडियो है दैट आपको चैप्टर 4 कैसे पढ़ना चाहिए. नाउ फ्रेंड्स, जो लोग मेरे साथ पढ़े वो लोग जानते हैं कि मैं कोई भी चैप्टर इकोनॉमिक्स का हो वो मैं मॉड्यूल में से करवाता हूं, ICI मॉड्यूल, बिकॉज मेरा मानना है कि एक बार मॉड्यूल रीडिंग इज मस्ट. तो मैंने आपको जब क्लासरूम में या वीडियो लेक्चर में पढ़ाया तो मैंने ऑलमोस्ट बैचेस में मॉड्यूल रीडिंग करवाया था, लाइन टू लाइन. आपको नोटबुक भी लिखवाई थी पर एक एक MCQ सॉल्व नहीं करवाए थे. पर फिर काफी बच्चों को डाउट्स आए कि सर हमें MCQ नहीं आते, तो उनके लिए ये पूरा वीडियो है एंड उसके अंदर डिटेल गाइडेंस दूंगा मैं आपको रोड मैप के साथ कि कैसे कहां से आपको ये चैप्टर पढ़ना चाहिए. जैसे आप अगर स्क्रीन पे देखते हो, लेट मी शो यू, ऐसा पूरा रोड मैप के साथ मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा कि आपको कौन से पार्ट में से क्या करना होगा. एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. नाउ फ्रेंड्स, वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये चैप्टर भी MCQ बेस्ड है, यानी पूरा इकोनॉमिक्स MCQ बेस्ड है. मैं क्यों ये क्लेरिफाई कर रहा हूं फ्रेंड्स, तो उसका रीजन है, आप जब ये चैप्टर 4 कहीं से भी पढ़ते हो तो आपको कुछ टॉपिक्स टफ लगते हैं, जैसे कि किंग डिमांड कर्व विच इज देयर इन ओलिगोपॉली, और आप बहुत टेंशन में आ जाते हो कि अरे सर हमें तो ये किंग डिमांड कर्व आता ही नहीं है. अरे भाई, व्हाई टू टेक टेंशन, किंग डिमांड कर्व हमने लेक्चर में डिटेल में समझा है. बट फिर आपको उतना डिटेल में याद रखने की जरूरत नहीं है. क्यों? बिकॉज अगर ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस वाला होता तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता, पर ये MCQ बेस्ड है तो यहां गिने चुने 4-5 MCQ के बाहर से कुछ नहीं पूछते. सो वो अगर आपको आ जाए तो भी बहुत है. फिर दूसरा, मैंने आपको लेक्चर में डिटेल में डायग्राम्स ड्रॉ करना सिखाया था विद स्टेप्स कि इसके बाद ये करो, इसके बाद ये करो, तो भी काफी सारे लोगों को चैप्टर 4 के यूनिट 3 में टाइप्स ऑफ मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन हो, मोनोपोली हो, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, तो उसके जो इक्विलिब्रियम के डायग्राम्स होते हैं शॉर्ट रन लॉन्ग रन, उसमें तकलीफ आती है. तो मैं आपसे ये कहूंगा कि आप एक बार वापस से नोटबुक में से रीड करो. मैंने स्टेप्स के साथ करवाया, पर इनकेस अगर आपको वो डायग्राम्स नहीं भी आते तो उतना बड़ा रिस्क नहीं है, बिकॉज पहली बात तो MCQ में डायग्राम बेस्ड उतना आता नहीं है, इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूं. दूसरा, अगर आपको नहीं आता और आप भी गया तो इट विल बी अ कैलकुलेटेड रिस्क ऑफ 1 or 2 मार्क्स, सो नॉट टू टेक दैट मच बर्डन विच यू आर टेकिंग राइट नाउ. ये चीज खास ध्यान रखना. दूसरी एक चीज जो आपके चैप्टर 4 का यूनिट 2 है, जिसमें हम चेंजेस इन डिमांड एंड सप्लाई के डायग्राम की बात करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. मैंने कौन से डायग्राम अनइंपॉर्टेंट है उसके बारे में बोला या लेस इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बोला, जो टाइप्स ऑफ मार्केट में इक्विलिब्रियम के डायग्राम है. बाकी यूनिट 2 में जो चेंजेस इन डिमांड सप्लाई के डायग्राम है वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो टफ नहीं है. अगर आपने नोटबुक में से रीड करके सिक्वेंशियल जाते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी. आप कहते सर हमने नोटबुक नहीं बनाई, या सर हम तो आपके स्टूडेंट नहीं है पर ये वीडियो देख रहे हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से मैंने जितना नोटबुक में लिखवाया है वो सब मैंने आपको दे दिया है PDF में, आप डाउनलोड कर लेना. हाँ, पर एक चीज का ध्यान रखना कि स्पेलिंग की थोड़ी गलती हो सकती है, बिकॉज मैंने किसी स्टूडेंट की PDF बुक स्कैन की है, मैंने एक एक स्पेलिंग्स चेक किए नहीं. दूसरा खास, मैंने आपको इस चैप्टर के अंदर नीचे रोडमैप दिया है, जो रोडमैप आपको बहुत गाइड करेगा. कैसे गाइड करेगा, तो पहले मैंने कुछ क्लेरिफिकेशंस दिए होंगे. जैसे अगर आप चैप्टर 4 में यूनिट 3 की शुरुआत करते हो तो पहले रोडमैप पढ़ो. उसमें मैंने पार्ट ए रखा है परफेक्ट कंपटीशन. ये पार्ट्स मैं हमारे कन्वीनियंस के लिए रखता हूं. तो क्या लिखा है उसके अंदर, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो.
perfect competition is a myth. That is, in practical life, it does not exist. Still, we understand it because it makes understanding of imperfect competition more easy. सब जो मैं लेक्चर में बोलता हूं सब यहां लिख के दिया है। पची थर्ड पॉइंट पे जाते हैं। इन दिस पार्ट इट हैज द कॉन्सेप्ट्स ऑफ इक्विलिब्रियम इन लॉन्ग रन एंड शॉर्ट रन। इट इज बेस्ड ऑन फॉलोइंग टॉपिक्स। पर आपको वो देखना हो तो आपको और कुछ आना चाहिए, क्या? द कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू। सो अगर आपको नहीं याद आता है तो पहले क्या करो, चैप्टर 4 के यूनिट 1 में जाके वो देख लो। एंड दूसरा, कॉन्सेप्ट्स ऑफ टाइप्स ऑफ कॉस्ट जो चैप्टर 3 के यूनिट 2 में आता है, ये दो देख लो। So if you want to understand the concept of equilibrium in depth, refer above concepts first. Dekha. Plus, drawing of diagram is good to understand and notebook. N.B. Sabhi ke the notebook also covered steps of drawing diagram. But if you are not comfortable with diagrams day before exam, you can ignore it by taking small risk. Since concepts of diagram are less important for MCQ based exam. ये क्लेरिफाई कर दिया मैंने आपको। अब क्या करना है? नाउ रेफर समरी ऑफ परफेक्ट कंपटीशन फ्रॉम नोटबुक विच इज एट द एंड ऑफ द पार्ट। तो मैंने आपको जो नीचे नोटबुक की कॉपी दी है ना पार्ट वाइज, उसमें एंड में आपको समरी मिलेगी, वो समरी पहले पढ़ो। नाउ रेफर होल पार्ट ए फ्रॉम नोटबुक, फिर आप पूरा पार्ट नोटबुक में से देखो। फिर अगर आप ICA में से पढ़ना चाहते हो तो इट इज ऑप्शन टू रीड पेज 4.22 टू 4.32 फ्रॉम ICA सिंस मेंस पॉइंट्स ऑलरेडी कवर्ड इन नोटबुक। फिर भी अगर आप पढ़ना चाहते हो तो अब ICA में से पढ़ो। एंड उसके बाद फ्रेंड्स आपको इतने MCQ देखने। देखो परफेक्ट कंपटीशन बेस्ड MCQ का पूरा लिस्ट मैंने दिया, कैसे? 7th MCQ, ये ICA मॉड्यूल की बात करो, 7th MCQ कौन से पेज पे? 4.54, कौन सी कैटेगरी? ए कैटेगरी। और अगर आप ये MCQ देख रहे हो और आपको नहीं पता चल रहा कि इसका लॉजिक कहां से आया, तो 4.23 नंबर के पेज पे उसका लॉजिक है। इतना डिटेल में मैंने आपको रोडमैप भी बना के दिया। आप बोलो सर इतने MCQ कहां है सर? अरे ये तो खाली परफेक्ट कंपटीशन के MCQ है। फिर आप आगे मोनोपोली के बारे में सब लिखा है, फिर मोनोपोली पढ़ो, फिर ये जो MCQ आप देख रहे हो 21, 28, 31, ये सारे किसके? मोनोपोली के। गेटिंग? इस तरीके से आपको पूरा रोडमैप मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, सब डाउनलोड कर लो और फिर आप पढ़ो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फ्रेंड्स, काफी सारे लोगों को चैप्टर 4 के MCQ क्यों टफ लगता है, तो आप क्या करते हो? पूरा चैप्टर पढ़ते हो फिर सारे MCQ सॉल्व करते हो? भाई ऐसा नहीं होता। आपको हमेशा चैप्टर को पार्ट में पढ़ना चाहिए एंड फिर उस पार्ट के MCQ देख लेने चाहिए। फिर उस पार्ट के क्या करने चाहिए? MCQ देख लेने चाहिए। एंड दूसरा आप ये भी कर सकते हो, जैसे आप MCQ देख रहे हो और उसमें परफेक्ट कंपटीशन का MCQ है, आपको नहीं आया, तो फिर आपको क्या करना चाहिए? उसी वक्त परफेक्ट कंपटीशन एक बार रीड करना चाहिए एंड फिर उस MCQ को देखो, आपको आ जाएगा। भाई सब कुछ आपको एट अ टाइम याद रहता नहीं है। दिस इज हाउ यू शुड गो फॉर इट। सो फ्रेंड्स, यहां अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बिलीव मी आपको सारे MCQs आएंगे। एंड ये जो मैंने रोडमैप आपको खास करके दिया हुआ है, बिलीव मी फ्रेंड्स, एक एक टॉपिक, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप यूनिट 1 में टाइप्स ऑफ रेवेन्यू करते हो तो आपको नीचे रोडमैप में टाइप्स ऑफ रेवेन्यू के बाद कितने MCQs टाइप्स ऑफ रेवेन्यू के, उनका नंबर, पेज नंबर, उनकी कैटेगरी एंड साथ साथ अगर आपको फिर भी नहीं आता तो कौन से पेज पे उसका लॉजिक है, वो सब कुछ मैंने आपको रोडमैप के तौर पे दे दिया है। तो प्लीज इन डॉक्यूमेंट्स का बहुत बढ़िया फायदा उठाना और इस वीडियो की लिंक जितनों से हो पाए उतनों के साथ जरूर शेयर करना। एंड इफ यू आर न्यू टू दिस पर्टिकुलर चैनल, मैंने इस बार सोचा मैं काफी सारे ऐसे मेंटरिंग के वीडियोस CA, CS, इंटरमीडिएट, फाउंडेशन, फाइनल सबके लिए लाऊंगा, तो प्लीज डोंट मिस आउट टू सब्सक्राइब द सेम एंड लाइक बटन प्रेस कर देना। और आपको और किन चीजों के ऊपर वीडियोस चाहिए उसके बारे में भी मुझे जरूर से बताना। मोर ओवर फ्रेंड्स, आप जब चैप्टर 4 पढ़ते हो तो आपके पास कौन कौन से रिसोर्सेज होने चाहिए, तो आप मॉड्यूल या आप जो भी कोचिंग क्लास या नौकर के बुक को यूज करो, साथ में ये नोट्स होने चाहिए एंड साथ में आपको रोडमैप होना चाहिए। पहले रोडमैप में से पढ़ो, फिर नोट्स में से पढ़ो, फिर आप MCQ सॉल्व करो। इस चैप्टर को खास करके रिवाइज करते रहना। और फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे ये MCQ है 7th नंबर का MCQ, उसको ए कैटेगरी दिया है। अब आपने पढ़ा और आपको लगा सर ये तो बहुत सिंपल है,
तो आप उस ए को बी कैटेगरी कर देना. कीप ऑन रिवाइजिंग द कैटेगरीज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ रिविजन्स यू डू. सो डे बिफोर एग्जामिनेशन आप सिर्फ फोकस किसके ऊपर करोगे, ए कैटेगरी के ऊपर. फिर समय मिले तो ही बी कैटेगरी के ऊपर. एंड लास्ट में खाली क्लैरिफाई कर देता हूं कि मैंने जो आपको नोट्स दिए उसमें जो सब पार्ट्स होते हैं, जैसे पार्ट ए परफेक्ट कंपटीशन, पार्ट बी मोनोपोली, तो मैंने कुछ बैचेस के अंदर पार्ट ए ओलिगोपोली करवाया होगा, तो भाई उतना चेंज हो सकता है, उसमें दिक्कत लेने की कोई जरूरत नहीं है. एंड रोडमैप भी पढ़ना, एंड स्पेलिंग्स मिस्टेक्स हो कोई कोई जगह पे तो उसे इग्नोर करना. बिकॉज जैसे मैंने कहा, आपकी सहायता के लिए मैंने इमीडिएटली वीडियो रिकॉर्ड किया, तो मैंने किसी स्टूडेंट की नोटबुक को स्कैन कर लिया और मैंने आपको दे दिया. मैंने कोई स्पेलिंग मिस्टेक चेक की है नहीं. तो ये एक छोटा सा वीडियो फ्रेंड्स आप सबके लिए. प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना और उसका बेस्ट बेनिफिट लेना. लास्ट में खास ध्यान रखना, आपको पहले रोडमैप पढ़ना है. रोडमैप, ये रोडमैप क्या पता है फ्रेंड्स, मैंने आपको हर एक यूनिट में एक एक पेज ब्लैंक छोड़ा था, उसकी जगह मैंने चार चार पांच पांच पेज का दिया, तो वहां नहीं लिखोगे तो चलेगा. ये रोडमैप यूज करना, पहले रोडमैप पढ़ना, फिर नोटबुक में से पढ़ना. नोटबुक में से ना पढ़ो तो मैंने ये आपको दे दिया है नीचे नोट्स, उसमें से पढ़ना, फिर एमसीक्यू सॉल्व करना रोडमैप वाले. इट विल मेक द थिंग्स वेरी मच प्रीटी मच क्लियर कॉन्सेप्ट. सो दिस इज अ स्मॉल काइंड ऑफ इनफॉर्मल इंट्रोडक्टरी वीडियो दैट हाउ यू शुड डील विद पर्टिकुलर चैप्टर, चैप्टर नंबर 4. फ्रेंड्स मैं आशा रखता हूं कि आपकी तैयारी इकोनॉमिक्स की या आपकी तैयारी सीए फाउंडेशन की बहुत ही बढ़िया चल रही होगी. फ्रेंड्स बिलीव मी यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट. एंड कॉन्फिडेंट रहोगे तो कोई भी टफ चीज भी आपको ईजी लगेगी. हो सकता है आपको सब कुछ ना आता हो, तो थोड़ी जो चीजें नहीं आती उसे सुधारने के प्रयास करो. फिर भी अगर आपके आउट ऑफ कंट्रोल हो तो नॉट टू पैनिक फॉर दैट. उतना पैनिक करने की आपको जरूरत नहीं है, पर जितना आता है उसे और शार्प करते जाओ. बस तो इसी आशा के साथ विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टाइम्स टू कम. एंजॉय दिवाली बट विद मोर कॉशन. ये एकमात्र दिवाली नहीं है, दिवाली तो आने ही वाली है, पर ये आपके फाउंडेशन का एकमात्र अटेम्प्ट है और हम चाहते हैं कि ये ही आपका एकमात्र अटेम्प्ट रहे, यानी कि आप इसी अटेम्प्ट में बहुत अच्छी तरीके से पास हो. सो और फिर कोई भी डाउट्स हो तो बेशक आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो, इस वीडियो के कमेंट में भी लिख सकते हो. बट दिस इज बेसिकली अ स्मॉल वीडियो टू गाइड यू दैट हाउ यू शुड यूज द नोटबुक, द मटीरियल एंड हाउ यू शुड प्रिपेयर वेरी इफेक्ट.